सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले जान लेना चाहिए कि सत्य है वही है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसका आप वर्णन नहीं कर सकते और जैसा चाहे वैसा अपने मन से या अपने बुद्धि से उसको बदल नहीं सकते, उसकी तोड़ बरोड़ नहीं कर सकते। वो अनंत और सबसे दुख की बात यह है कि इस मानवीय बुद्धि से आप उसे जान भी नहीं सकते। इस बात को आप पर मैं थोपना नहीं चाहती, किंतु एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर हमने एकमेव सत्य को जाना होता तो न हमारे में झगड़े होते, न लड़ाइयां होती, न प्रणालियां चलती, न बुद्धि की जो आज आपको एक तरह से बहुत ही ज्यादा गड़बड़ दिखाई दे रही है, यानी लोग समझ ही नहीं पा रहे, एक भ्रांति में घूम रहे हैं, वो नहीं होता। किंतु ऐसा हुआ है, आप जिसको देखिए वो बुद्धि के चौकोनी पिंजड़े में बंद, उसी से न जाने क्या दिमागी जमा खर्च निकालते रहता है। कोई लोग इसमें विश्वास करते हैं, कोई लोग उसमें विश्वास करते हैं, कोई लोग इसमें। और ये एक प्रकार की बड़ी जबरदस्त अंधश्रद्धा है कि जो हमारे बुद्धि के में आ गया वो सही बात, किंतु सत्य इस बुद्धि से परे। बुद्धि सीमित और वो असीम को नहीं जानती। इस बात में आपको विश्वास भी करना नहीं चाहिए, पर उसकी जो प्रतिक्रिया दिखाई देती है, जो चीज आज हम समाज में देख रहे हैं, उसे देखते हुए ये जरूर लगता है कि कुछ न कुछ हमारे अंदर कमी रह गई, और जिसके लिए साधु संतों ने बताया है कि आपको पहले अपने को जानना हो। ईसा मसीह ने कहा है, नो दाय सेल्फ। मोहम्मद साहब ने भी यही कहा, आज तक कोई ऐसा अवतरण दृष्टा प्रेषित प्रॉफिट नहीं हुआ जिसने कहा हो कि पहले अपने को जानो, क्योंकि उन सब ने एक बात समझ ली थी कि मानव अभी एक थोड़ी सी कमी से प्लावित, कमी से तंग, और वो कमी यह है कि वो कहता है ये मेरा घर, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा देश, ये मेरा मेरा मेरा, लेकिन ये मैं कौन है उसको नहीं जानता। अब बात यह है कि इसके बारे में इस देश में, इस योग भूमि में अनेक बार न जाने कितने लोगों ने बताया कि अपने को जानना जरूरी, किंतु इस कार्य के लिए, इस प्रणाली के नाथपंथी थे इस महान महाराष्ट्र, और उन्होंने एक परंपरा चलाई हुई थी कि एक
गुरु जो हो वो एक ही को आत्म साक्षात्कार। यहाँ तक उत्तर हिंदुस्तान में राजा जनक के पास नचिकेता जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, भाई तुम मुझे मेरा राज्य मान ले, आत्म साक्षात्कार मत कर, क्योंकि उसकी लियाकत नहीं तेरे पास, उसकी काबिलियत नहीं है। मैं तुझे आत्म साक्षात्कार दे के और क्या कर सकता हूँ, तू आगे बढ़ेगा ही नहीं, किंतु फिर दे दे, उसकी बड़ी परीक्षा करके उसे आत्म साक्षात्कार दे। और इस महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जैसे एक महान कवि हो, उनके मुकाबले का कवि आध्यात्म में आपको ढूंढे से भी नहीं मिले, लेकिन उनको कौन पढ़ता है, उनको कौन जानना चाहता है। उन्होंने जो अमृतानुभव लिखा है वो पूर्णतया एक आत्म साक्षात्कार के लिए एक काव्यमय आध्यात्म। उन्होंने अपने गुरु, उनके भाई ही उनके गुरु थे, उनसे इजाजत मांगी और कहा कि भाई सब आप मुझे ज्ञान दीजिए, किंतु अब एक और मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं अपनी जो कुछ भी गीता पर टीका स्वरूप ज्ञानेश्वरी लिख रहा हूं उसमें मैं लिख सकूं, सिर्फ लिखने की बात, मैं उस पर कुछ करूंगा नहीं, कि किस तरह से आत्म साक्षात्कार घटित होता है। तो छठे अध्याय में उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि कुंडलिनी के जागरण से ये कार्य होता है। वैसे आदि शंकराचार्य उससे पहले भी 14 वर्ष पहले मार्कंडेय स्वामी, इन्होंने सब में लिखा था कुंडलिनी के बारे, लेकिन संस्कृत। अब इन्हीं महानुभावों की वजह से, इन्हीं महान कवियों की वजह से और संत साधुओं के वजह से आज इस स्थिति में सहयोग पहुंच गया है कि एक साथ हजारों लोग भी पार हो गए। अब जो भी मैं बात कह रही हूं उसमें आपको फिर से अंधविश्वास नहीं दे, लेकिन एक शास्त्रीय दृष्टि से जिस तरह हर साइंटिस्ट अपना दिमाग खोल करके कोई सी भी विषय का विवेचन आदि और उसका फिर आविष्कार करता है, उसी प्रकार आपको भी अपना दिमाग खोलना चाहिए। ये कह देने से कि ये सब अंधश्रद्धा है, या ये कहने से कि परमात्मा ही नहीं है, आप बिल्कुल अशास्त्रीय है। आपने पता किया है, आपने जाना है, तो इस उत्क्रांति के इस इवोल्यूशन का जो आज आपको फायदा हुआ कि आप इंसान बन के बैठे, उसी उत्क्रांति का कार्य ये है कि आपको उस स्थिति में पहुंचा दे जिसका वर्णन संत साधुओं ने किया। इसमें कोई नवीन बात नहीं। कबीरदास जी ने कहा, कैसे समझाऊं सब जग अंधा। और इस अंधेपन की वजह से ही इन संत साधुओं ने कहा, बाबा बस ये समझना ही नहीं चाहते, ये जानना ही नहीं चाहते, तो ऐसों पे जबरदस्ती कैसी की जाए। लेकिन इस कलयुग में ये कार्य होने वाला है, ऐसा नल दमयंती के आख्यान में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा और उसके बाद नाड़ी ग्रंथ में भी भृगु मुनि ने बहुत स्पष्ट रूप से
लिखा कि ये कार्य होगा। क्योंकि जैसे एक बीज अंकुर के और उसके बाद उसका पेड़ होता है, और जब समय आता है तो उसमें फूल खिलते हैं और फिर वही फलित होता है, इसी प्रकार आध्यात्म भी आज उसी स्थिति में आया हुआ है। लेकिन ये मूर्खों के लिए नहीं, मूढ़ों के लिए नहीं। मराठी में कहा है रामदास स्वामी ने, त्याला पाहिजे गाती से एड्या गबाड़ांसे कामनो है। सबको जागृति हो सकती है अगर वो हृदय से चाहते हैं कि हमारी जागृति हो जाए। लेकिन अगर कोई बड़े विदूषक अपने को समझे, मैं तो उनको भी विदूषक ही करूँ, कि हम बड़े होशियार हैं और इस पर हम वाद विवाद करेंगे और झगड़ा करेंगे, ऐसों की कभी जन्म जन्मांतर तक भी कुंडलिनी जागृत नहीं, क्योंकि उनके पास सूक्ष्म बुद्धि ही नहीं कि समझें आखिर ये जितने संत साधु बता गए ये कोई झूठी बात। सत्य दो है, जिसे आपको जानना है वो भी अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि आप इंसान हैं, आप बहुत सी बातें जानते हैं, वो एक जानवर नहीं जानता। किसी गंदी गली से आप जानवर को निकाल दो निकल जाएगा, आप नहीं जा सकते। आप उससे बहुत उन्नत ऊंची हालत, और हमसे संत साधु बहुत ऊंची हालत में है, इतना तो आप लोग समझते हैं, इस महाराष्ट्र में समझते हैं। लेकिन उस उन्नत दशा में जाने के लिए हमें पहले समझ लेना चाहिए कि वो पूर्ण तरह से ज्ञान जानते। ज्ञान का मतलब बुद्धि का चक्कर नहीं, अगर वही होता तो आजकल तो ऐसे हजारों घूमते हैं बुद्धि के चक्कर वाले, झगड़ा लगाने वाले, आफत करने वाले, परेशानी करने वाले, लेक्चर देने वाले 50। लेकिन ज्ञान का मतलब होता है कि अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जा। अगर आपको गंदगी दिखाई दी, एक इंसान जानता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसलिए मैं अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ कि हिंदी मराठी में एक जो भाषांतर है वो थोड़ा कठिन। वो जो ज्ञान बोध है, बोध माने, बोध माने क्या, हमें बोध हो। बोध को अंग्रेजी में कहेंगे हम अवेयरनेस। इस बोध को जब तक हमें अनुभव में जाना नहीं जानता, अनुभव में, तब तक ये ऊपरी ही जमाखर्च, और इस जमा खर्च में दिमागी उलझनों के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं होता। ये भी बात सही है कि आत्म साक्षात्कार की बात कोई भी गुरु घंटाल नहीं करता, कोई भी दुनिया भर की चीज की तू ये करो वो करो, गुरु को इतना रुपया दो पैसा दो, ये सब चलता, पर ये जो दो सत्य उसे जानने की बात कोई भी गुरु घंटाल नहीं करते। और आप नसीब समझिए कि अधिकतर प्रदेश चले गए
एक रजनी जैसा यहाँ के बैठा था, बाकी तो सब चले। और गांव गांव में है तो भी सत्य क्या है उसे आप जाने। सर्वप्रथम सत्य यह है कि आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधियां नहीं। क्योंकि आप कहते हैं मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो वो मैं कौन? किंतु आप स्वयं में शुद्ध आत्मा स्वरूप है। दूसरा सत्य है, यहां देखिए फूल है, बहुत सुंदर सुगंधित फूल है। हम इन्हें देखते हैं और जानते नहीं कि कितना बड़ा ये चमत्कार है। फिर कैसे ये फूल इस पृथ्वी से अनायास सहज आ गए? हमारा हृदय चलता है, हम जानते नहीं कि ये हृदय कौन चलाता। डॉक्टर से पूछे तो कहेंगे ऑटोनॉमस सर्विस है। तो ये ऑटो है कौन? स्वयं चालित। स्वयं कौन है? ये आंख देखिए, एक बड़ा भारी कैमरा ही है, समझ कमाल का कैमरा। और ये मस्तिष्क, ये ब्रेन, ये ब्रेन तो एक बड़ा भारी कंप्यूटर। ये कैसे बना? एक छोटे से शिशु से ये कहां से कहां पहुंच गया? ये कैसे हो रहा? हम कुछ इस बारे में सोचते भी नहीं और जानते भी नहीं और जानना भी नहीं चाहते। कारण जीवंत क्रिया कैसे घटित होती है हमें मालूम नहीं, इसलिए उस तरफ हम जाना नहीं चाहते। लेकिन ये जो जीवंत क्रिया हमारे अंदर हो रही है, बाहर हो रही है, उसको सोचना चाहिए कि इसके पीछे में कोई ना कोई शक्ति है और उस शक्ति को हमारे यहाँ के ग्रंथों ने अनेक नाम दिए हैं। ब्रह्म चैतन्य का, परम चैतन्य का और पातंजलि ने इसे ऋतम भरा प्रज्ञा, बाइबल में इसे ऑल परवेदी पावर ऑफ डिवाइन लव का, कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट का, कुरान में इसे रूह कहा गया। सब लोगों ने इसका वर्णन किया हुआ कि ऐसी एक बहुत ही सूक्ष्म शक्ति है जो ये कार्य करती है। उस सूक्ष्म शक्ति को अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्राप्त करना ही योग है। उससे संबंध होना अपने जीव का यही योग है। बाकी सर के बल खड़े होना उससे कुंडलिनी नहीं जागृत होती। जीव को काट के पीछे डाल के खेचरी करने से कुंडलिनी जागृत नहीं होती, यहां तक कि कुछ भी करने से नहीं होती। सहज सह माने आपके साथ जो मैंने पैदा हुआ, ये योग का अधिकार हर इंसान को और हर एक को इसे प्राप्त करना चाहिए। अब जो भी हमने बात कही वो एक धारणा, हाइपोथेसिस ही समझ लीजिए, पर इसकी अगर हम सिद्धता दे दें तब हर ईमानदार को इसे मानना पड़ेगा। क्योंकि इसी से आपका भला हो, आपकी शारीरिक, मानसिक,
about this. जो कुछ भी समस्याएं हैं वो हल हो जाए, और इसके अलावा आपको आत्मा का आनंद प्राप्त। अब ये बात बिल्कुल सही है कि सहज योग में तीन डॉक्टर्स को MD दिल्ली में मिला, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तीन डॉक्टर्स को दिया। पर हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, अति सहाणे जानते बैरविता में, तो यहाँ के लोगों में अति सहन बना गए। वो ही जो कबीरदास ने कहा, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय, वो नहीं जाना। इसलिए इस महाराष्ट्र में इतने सालों से मेहनत मैंने करी है, पर सबके ऊपर राजकारण छाया और कुछ सोचते ही। अब उनको ये डर पड़ गया है कि कहीं मैं न राजकारण में आ जाऊं तो मेरे भी पीछे लग गए, भाई मैं नहीं आ गया, मेरे का दिमाग खराब। और इसीलिए इस महाराष्ट्र में सहयोग की प्रगति सबसे कम हुई, जहां पर बड़े बड़े संत साधुओं ने अपना खून पी, जहां पर श्री राम को भी पैर के जीते उतार करके सीता जी को भी नंगे पैर आना पड़ा, ऐसी इस महान भूमि में न जाने कैसे समाज कंटक लोग पैदा हुए हैं कि जो चीज को देखना ही नहीं चाहते, और लोगों को इस प्रकाश से वंचित रखते हैं आपके वर्तमान पत्र। आश्चर्य की बात है कि दिल्ली में मैं तो कभी नहीं सोच सकती, हरियाणा पंजाब यूपी आग के जैसे सहयोग फैल गया और लोग जम गए, और इस महाराष्ट्र में जो जमे हैं वो भी महाराष्ट्र के नहीं है ज्यादा, आह्वान है आप लोगों कि ये साहबियत छोड़ करके और असलियत पर उतरो। जो कुछ भी इतने सालों से इस महाराष्ट्र में कहा गया, श्री रामदास स्वामी ने इस पर काफी लिखा है, पढ़ता कौन है उसे, उनसे पूछा गया कि कुंडलिनी का जागरण कितने समय में होता, उन्होंने शब्द का तत्क्षण उचित क्षण होता, किंतु उसको प्राप्त करने वाला भी चाहिए और देने वाला भी चाहिए। किसने नहीं इस पर मेहनत करी और किसने नहीं कहा, आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र में न जाने कौन सा ऐसा स्टाफ बैठ गया है कि आध्यात्म की खोपड़ी में नहीं घुसता, और ये समझ नहीं पाते कि इसे हमारी सारी दुर्दशा। जब मैं ग्रीस गई मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा कि ये जो त्रिकोणाकार अस्थि है जिसमें कुंडलिनी का वास, उसको तुम लोग सेक्रम बोन क्यों कहते, कहले अफकोर्स इट इज सेक्रेट बोन, मैं हैरान। और वो लोग यहाँ आकर के इस पर काफी विचार करके और वहाँ के म्यूजियम में सबसे बताते हैं, जिसके बारे में जानना है तो महाराष्ट्र में जाओ और नाथ पंथियों की बात करो। ये सिक्रम बोन है, डॉक्टर की से सिक्रम ही है, इसमें ये 3.5 वलयों में कुंडलों में
ये शक्ति बची, और ये शक्ति आदि शक्ति का ही हमारे अंदर प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, और उसी प्रकार हृदय में हमारे सदाशिव का प्रतिबिंब है आत्मा। ये आजकल के जमाने में इस बंबई शहर में कहना माने बिल्कुल ही अजीब थी, क्योंकि अब हम लोग अंग्रेज हो गए, अंग्रेज चले गए, टोपियां अपने सर पे रख के चले गए, और हम लोग अपनी जितनी भी कलाएं हैं, जितना भी ज्ञान है, उससे पूरी तरह से वंचित हो गए। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका, इंग्लैंड और ये सब जो देश हैं, ये बहुत बढ़ गए, जैसा कोई वृक्ष बढ़ गया हो बाह्य में, लेकिन उसकी जड़ें यहाँ पर हैं। जब तक आप इन जड़ों को प्लावित नहीं करोगे और जब तक इनको ये ज्ञान नहीं दोगे, ये सारे देश खत्म हो रहे हैं, हो ही रहे, अंदर से खत्म हो रहे हैं, और इनसे सीखने लायक है क्या? इनको तो हमारे यहां मिलेट कहते हैं। अभी एक किताब मैंने पढ़ी थी, ईसा मसीह शालीवाहन राजा को मिले कश्मीर में, और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो भाई, बड़े साधु पुरुष हो। ऊसा मेरा नाम है ईसा, और मैं ऐसे देश से आया जहाँ सब मलेच्छ रहे। उन्होंने कहा मलेच्छ रहे, मल इच्छा जिनकी इच्छा ही मल में है वो मलेच्छ, और आप हम लोग भी उन्हीं के चरणों में जा रहे हैं। मल इच्छा मलेच्छ, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ तो सब लोग निर्मल है, आप जाओ उन्हीं लोगों का भला करो, और 3.5 साल बाद उनको वहां क्रूस पे लटका दो। अपने देश का जो इतना ज्ञान, इतनी महान चीज, उससे हम लोग वंचित हो रहे हैं, और उसी ज्ञान में आप पाइएगा कि सबसे पहले अपने आत्मा को प्राप्त, अपने अंतरतम को जान। जब तक आप अपने अंतरतम को नहीं जानोगे, तब तक आप कोई भी चीज नहीं जानोगे। एक तरह से एक ये घटना है, कुंडलिनी का जागरण एक घटना है, जो 6 चक्रों को भेद करके अंत में छठवां चक्र ये मानते हैं, और इस सर्वव्यापी शक्ति को छूने उससे एकाकारिता प्राप्त होती है। तब ये सर्वव्यापी शक्ति जिसमें हर एक की, जैसे कि ये ज्ञान का साथ, हम जानते हैं क्या हमारे इस मस्तिष्क ब्रेन में से कितना हिस्सा हम जानते हैं? इसे कहते हैं ये प्रेम का सागर, और ये क्षमा का सागर, ये कृपा का सागर है, और ये आशीर्वाद का सागर। अब इसका अनुभव ये हुए, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करना है, तो ऐसे लोगों के लिए चलिए रामदास स्वामी का अल्पधारित्य पाए, इसको अगर प्राप्त नहीं किया गया तो आप अधूरे रह गए। आपने पाया क्या? आपने मनुष्य जन्म लेकर के पाया क्या? यही ना, 2-4 पैसे इकट्ठे कर लिए, पशुवत जीवन रहे और मर गए। और जब ये हो रहा है, आपका अपना है, आपके अंदर ही,
तो इसे क्यों न प्राप्त करें। ये शक्ति जो है ये शुद्ध इच्छा की शक्ति, बाकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो अशुद्ध है। जैसे कि पहले हुआ मेरे पास एक घर हो जाए, फिर हुआ मेरे पास मोटर हो जाए, फिर हो गया मेरे पास एक पत्नी हो जाए, फिर एक एरोप्लेन हो जाए, फिर फलाना हो जाए, दिखाना हो जाए, फिर मैं मंत्री बन जाऊँ, फिर मुख्यमंत्री बन जाऊँ। ये तो इच्छाएं चलती रहे, और कोई भी इच्छा सिद्ध होती तो उसको प्राप्त करके आप खुश होते। इकोनॉमिक्स का भी एक बड़ा भारी सिद्धांत है, वॉन्ट्स आर नॉट सैटिसफेबल इन जनरल। तो ये कौन सी ऐसी इच्छा है जो शुद्ध इच्छा है, आप जाने या न जाने, माने या न माने, ये इच्छा वो है जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी एकाकारिता इस परम चैतन्य से हो। आप जानते हैं और बहुत से जानते भी हैं, समझते भी हैं और बहुत से उद्गत हैं इसमें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इसे प्राप्त करना ही चाहते हैं। अब ये जो शक्ति है ये आपकी अपनी व्यक्तिगत माँ है, आप अपनी व्यक्तिगत माँ, ये सब आपके बारे में जानते हैं। जैसे कुछ आजकल वो टेप रिकॉर्ड करते हैं ना, ऐसा आपके बारे में इससे सब टेप रिकॉर्ड करते हैं, वो जानती हैं आप क्या हैं, आपकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गलतियां की, कैसे कैसे घूमे भटके, सब जान। पर ये चाहती है कि आपको आपका पुनर्जन्म मिल जाए, और ये उसके लिए अत्यंत कहना चाहिए कि एक तरह से बिल्कुल तैयार, और इसीलिए सहयोग आज इस तरह से फलित हो। जब ये घटना, मैंने कहा छह चक्रों से एक कुंडलिनी चक्र, अब यहाँ पर रजनी जैसे और भी आए थे बेवकूफ बनाने, तो वो जो सातवां चक्र है अपना, नीचे का जो पहला चक्र है मूलाधार, इससे श्री गणेश की स्थापना, जिसके लिए स्टेप और जितना भी शरीर से विसर्जित होता है सामान, उसके लिए ये चक्र कार्य करता है। उसी से ऊपर आए किसी भी शास्त्र में, पर बुद्ध को देखो तो उसने कहा सबसे पहले शील होना। जिस इंसान में शील नहीं है, चरित्र नहीं, वो व्यक्त कौन सा धर्म ऐसा जिसने कहा है कि आपका चरित्र अच्छा हो। और इसीलिए मैंने देखा है कि कोई कोई असल मुसलमान हो या असल हिंदू हो, असल ईसाई हो, असल उसका शील बहुत अच्छा हो। नहीं तो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कोई भी हो, जो चाहे सो पाप कर सकता है, उसको कोई रोक सकता है। तो इस तरह की जो चीजें गलत सलत, जिससे कि मनुष्य की जो गिरावट है उसको बढ़ाना और उसको बिल्कुल ही रसातल को पहुंचा देने की जो क्रिया होती है, उसको इस महाराष्ट्र में जगह मिलनी थी और मान्यता यही मिलनी थी। उसका क्या कारण हो सकता है, एक ही मैं कहूं कि इस महान पवित्र भूमि पर आक्रमण है, ये एक आक्रमण है नेगेटिविटी और इस अंधकार का। और मेरे ख्याल से इस तरह के
गंदे विचारों से आप समझ लीजिए कि एक चीज हटा देगी आपकी, वो है कुंडली। अब आप जानते हैं कि सहयोग सात देशों में फैला और जिनको हम लोग लक्ष्य कहते थे वो हमसे बेहतर हो गए, उन्नत हो गए, कहां से कहां पहुंच गए, उनकी आंखें निर्मल हो गई, शुद्धता आ गई उनके चरित्र में, देवदूतों जैसे हो गए। इस कुंडली से ही, क्योंकि इसमें सबको बिल्कुल स्वच्छ कर, जब ये ऊपर चढ़ती है तो ये सारे चक्रों को प्रकाशित कर। अब आप संसार के सारे दुख और समस्या को देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये दुख और ये समस्या है मनुष्य ने बनाई है। अधिकतर उसका कारण यह है कि इनके चक्रों में खराबी, और अगर ये चक्र ठीक हो गए तो मनुष्य की जो कुछ समस्या है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि मूलभूत इन चक्रों के ही कारण हम बीमार होते हैं, इन चक्रों के ही कारण हम संतप्त होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। इसी के कारण हम दूसरों से द्वेष करते हैं, मानसिक तकलीफें इसी से होती हैं। जो कोई भी मनुष्य को तकलीफ है वो सिर्फ चक्रों के बिगड़ने से होती है। अगर ये चक्र ठीक हो जाए और प्रकाशित हो जाए तो इनकी शक्ति से सब चीज ठीक है। अब ये चक्र है कि नहीं, इसकी शुद्धता देने के लिए सहयोग, हर एक चीज जो हम कह रहे हैं उसका प्रमाण साइंटिफिक प्रमाण है और साइंस से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। किस तरह से लोग ठीक होते हैं, किस तरह बीमारियां ठीक होती है, इसका कोई हम रिकॉर्ड नहीं रखते, क्योंकि ये सब प्यार का कार्य, प्रेम का कार्य है। उसके लिए कोई उसका रिकॉर्ड रखता है क्या? माँ कहीं लिख के रखती है मैंने कितने बार इसको दवा दी, इतना इसको प्यार किया, इससे कितने बार प्यार दबाए, इसका रिकॉर्ड नहीं। लेकिन प्रत्यक्ष ये साइंस कैसी चीज नहीं, साइंस तो फिर आज एक उन्होंने बात कही कि ये सत्य प्राप्त ठीक, कल उसी को बदल देंगे, किसी आइंस्टीन आ गए उसको बदल देंगे, आइंस्टीन को भी बदलने वाले आ जाए, पर जो परमात्मा के नियम है उनके जो कायदे कानून हैं और इस परम चैतन्य की जो परिस्थिति कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि आनंद और ये परम चैतन्य सब कुछ सोचता है, समझता है। सबसे बड़ी चीज है यह आपसे प्यार, इसको प्राप्त करना बहुत आसान है और उसे आप प्राप्त करें और उससे आप लाभित हों। उसके लिए आप पैसे ऐसे नहीं दे सकते। ये जीवन प्रक्रिया जैसे कि एक बीज लेकर के आप माँ के उदर में डालते हैं वो आपसे आप प्रस्फुटित होता है, उसको क्या आपको पैसा देना पड़ता है क्या पृथ्वी तक? भाई उसमें भी ये चीज बंधी हुई है, बिल्कुल है कि किसी भी चीज को वो प्रस्फुटित करे, किसी भी बीज को प्रस्फुटित करे, और बीज में भी ये सारी चीज बनी हुई है कि वो प्रस्फुटित हो जाए। उसके लिए आप क्या पैसे देते हैं? पैसा तो मनुष्य का सरदर्द है, परमात्मा को कोई पैसे समझता है क्या? तो पहली चीज ये समझ लेना चाहिए कि इस चीज के लिए आप पैसा नहीं दे।
आपका अधिकार है कि क्या आपका, ये आपकी अपनी शक्ति, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। कोई आपसे किसी भी तरह से आप कर कोई भी उपकार लाना नहीं, ये आपका अपना आपने प्राप्त किया। आपकी अपनी शक्ति थी, समय आ गया, आप फूलों जैसे बह रहे थे, आप फलित हो गए, इसमें किसका लेना देना लगेगा। ये तो सब प्रकृति ने पहले ही बना रखा है कि इस समय में ऐसे होने वाला हो रहा। तो ये आपकी अपनी चीज है, आपके पास है, आपको ये बहुत सहज सुलभ मिल सकती किसी भी धन जाति कुछ भी, क्योंकि धर्म तो बाह्य में, अंदर का धर्म जब जागृत होता है तो वो आदमी असल में धार्मिक है, उसको फिर बताना नहीं पड़ता कि ये मत कर, तू ये मत कर, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना, ऐसे कभी नहीं बताएगा, वो अपने आप से गति करता है। हमारे शिवाजी महाराज जैसे आत्म साक्षात्कारी हो गए, ऐसा राजा कहीं हुआ नहीं जो यहां हो गया। और उनके हर एक लक्षण में यही दिखाई देता था कि बहुत ही धार्मिक ईसा मसीह, जो कि एक वेश्या के सामने खड़े हो गए, उनका क्या वेश्या से संबंध कि जो कोई पत्थर मारना चाहता है इसको वो मुझे मारे, पर वही पत्थर मार सकता है जिसने कोई पाप नहीं किया है, ये हिम्मत कहाँ से आई, ये आत्मा के प्रकाश, आत्मा की शक्ति। जिस देश में मराठा मावड़े रहते थे वो आजकल सब बाजार बुंगे रहने लग गए, तो क्या कहें। पर जब ये शक्ति जागृत होगी तो आप अपने से आश्चर्य करेंगे कि ये क्या हो गया, मुझे मुझे तो सब होता ही नहीं था। एक तो आप ही में ये शक्ति आ जाएगी कि आप दूसरों की कुंडली जागृत करें, तबीयत तंदुरुस्ती अच्छी हो गई, सब हो गया, और एक आत्मा के प्रकाश में आपका चित्त स्वयं ही कार्यान्वित होगा, माने जिस पे आप चित्त डाले उसके कार्य हो जाए, जिसके और आप देखे उसके कार्य हो जाएगा। सच बात है, विश्वास नहीं होता, ये तो ऐसा ही है, किसी छोटे से देहात में आप एक टेलीविजन ले जाए और लोगों से कि डब्बे में आप फिल्म विल सब देख सकते हैं, तो कहने डब्बे में कभी हो ही नहीं सकता। आप लोग भी अपने को ऐसे डब्बा समझे, आप लोग डब्बा अब्बा नहीं, आपने अभी तक आत्मा का प्रकाश नहीं आया, इसलिए अपना गौरव आपने देखा। सबसे पहले तो कुंडलिनी के जागरण से निर्विचार समाधि प्राप्त हो, विचार उठना गिरना उठना गिरना, पागलों जैसे आजकल हम लोग विचारों से दौड़ रहे हैं, पर जब कुंडलिनी का जागरण होता है ये विचार भी हमको या तो भूतकाल से आते हैं या भविष्य से आते हैं, इस वर्तमान काल के नहीं, मैं करता हूँ इस वर्तमान काल में उतरो उतर, पर जब ये घटना होती है हटा तो ये विचार हट जाते हैं, बीच की जगह जिसे विलम्ब कहते हैं वही वर्तमान है, वहाँ निर्विचार हो जाते हैं, पर पूरी तरह से आप सतर्क माने अवेयर से थॉटलेस अवेयरनेस सही है। और दूसरी स्थिति जब आती है थोड़ा लगना पड़ता है, जिस कनेक्शन भी तो लूज होते हैं ना, उसी तरह से आपके भी कनेक्शन कभी कभी लूज होते हैं,
जब वो पूरी तरह से जम जाए तो दूसरी स्थिति आते उसे निर्विकल्प समाधि करते, यानी विकल्प नहीं रह जाता, आप स्वयं ही अपने गुरु हो जाते हैं और सारी शक्तियां अपने ही जागृत हो जाती। इसी तरह से सहयोग आज सब जगह फैल रहा है, क्योंकि एक को जागृति दी वो अपने गांव में गया, वो दसों को जागृति दिया, फिर वो दस औरों को जागृति। उस वक्त आप निर्विचार में आ गए तो आपने अपने शांति का स्थान पा लिया, अंदर से आप शांति बिल्कुल पूर्णतः शांति, जैसे कि पानी में आप खड़े हैं तो आपको पानी से डर लग रहा है कि आप डूब जाए, उसकी लहरों को देख के आप चिंतित हो जाते हैं, पर अगर किसी तरह से भी आप अगर बोट में आ जाए तो आप देख रहे हैं उसको मजा आ रहा है, पर अगर समझ लीजिए आपने सीख लिया तैरना तो आप कूद करके और भी लोगों को बचा सकते। इसी प्रकार सहयोग में आपकी प्रगति होती, कोई कोई लोग को जिस दिन सहज में प्राप्त किया उसी दिन जम गए, ऐसे भी मान लोग। और बाह्य में कुछ नहीं, हाँ मुँह पे चमक आ जाती है, उम्र कम लगने लगती है, चलो इसी बहाने आ जाओ सहयोग में, क्योंकि आजकल तो सबको उम्र कम लगने की बीमारी लगी, खासकर अमेरिका में अगर आप जाइए तो 90 साल की बुढ़िया भी चाहेगी कि मैं 17 साल की लगूँ, हाँ आप उनका हिस्सा रहेगा, और वो जाएगी शेख डांस से कहे को जाने का आपका हाथ अल्दी चले से हिलता, बहरहाल वो लोग बेवकूफ हैं उनको छोड़िए। आप लोग समझदार इस महान देश में पैदा हुए, तो जो अनेक बाह्य में चीजें होती हैं गति वो तो होनी ही सहज में, लेकिन जो अंदर होता है वो बहुत कमाल का, कि आपका चित्त ही आलोकित हो जाता, फिर आपको सत्य मालूम होता है, आपके उंगलियों में ये 5, 6 और 7 चक्र हैं और ये आपके भूतकाल, आपकी भावनाएं इमोशंस, और इस हाथ में इसी प्रकार जो 7 चक्र हैं वो आपके शारीरिक और बौद्धिक समझ लीजिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एंडिंग है, और उस पर आप जान सकते हैं कि आप कहाँ तक हैं क्या, तो आप अपने बारे में जान सकते हैं अपने उंगलियों उंगलियों पर, ऑन योर फिंगर टिप उंगलियों पर आप जान सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र पकड़ा, और आप जान भी सकते हैं कि दूसरे का चक्र किसका, यहाँ बैठे बैठे किसका क्या पकड़ा है, क्योंकि अब आपका जो नया आयाम जिसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, सामूहिक चेतना कहते हैं, उसकी जागृति है। आप बैठे बैठे यहाँ बता सकते हैं इसका चक्र पकड़ा उसका हो सकता, अगर आप अपने चक्र ठीक करना सीख जाएं और उसके बाद दूसरों के भी चक्र ठीक करना सीख जाएं, हो गया, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। और इस कदर प्रचंड शक्तियां अपने अंदर है, वो सब उद्बोधित होती हैं डायनामिक अपने जो है दिखाई दे, हमने देखे हैं लोग एक रात्रि में बड़े कवि हो गए, कोई म्यूजिशियन हो गए, तो कोई सितारिया हो गए, तो कोई सरोदिया हो गए, आज जब बहुत से मशहूर लोग हैं अधिकतर वो सब कर लेंगे, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, कलाकार हो गए, ये सब शक्तियां आपके अंदर निहित है, आपकी अपनी है, और उसको प्राप्त करने का समय आ गया। आप अपने बारे में जानते ही नहीं, इसीलिए कहा है नो डाइट,
इसका मतलब यह नहीं कि बैठ के कहो मैंने ये पाप किया, मैंने ये किया, वो किया। अरे जो हो गया सो हो गया। अब फिर आपको वर्तमान में करना है, जहाँ न भविष्य और न ही भूतकाल है। जो किया सो गया और जो करने का सो नहीं है। जो आप हैं उसे आप प्राप्त करेंगे, तो शुद्ध आपका। और जो सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है, मैं कहूंगी वो है आनंद। हम लोग सुख और दुख मानते हैं। जब हमारा अहंकार बढ़ाया गया तो बड़े आनंद में आ गए, और जब उसमें थोड़ा सा सेम लग गया तो बड़े दुख में। लेकिन आनंद ऐसी चीज है, ऐसी स्थिति है कि जिसमें आप सुख और दुख दोनों को ही देख सकते, अपने को ही अपने से अलग हट कर देख सकते, क्योंकि आप साक्षी स्वरूप हैं और आप हमेशा आनंद में हैं। न कोई चिंता, न कोई परेशानी, क्योंकि आपको आश्चर्य होता है कि किस तरह से आपके जो प्रश्न हैं वो हल हो जाते हैं। आशीर्वाद का जो अनुभव आपको आता है तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये कैसे संभव है, हमें ये आशीर्वाद कैसे मिले। हर कदम पर लगता है कि जैसे कोई हाथ पकड़ के आपको चला रहा है। और इस आशीर्वादों में लोगों ने तो इतनी कमाल की कि जब मेरे पास चिट्ठियां भेजने लग गए तो मैंने किसी से कहा भाई इसको संकलित करो। एक महीने में उनके सर तक वो पहुंच गए। मैं कहले माँ अब मैं क्या लिखूँ, मैं कहे छोड़ो मेरे पास टाइम नहीं पढ़ने को, सुन लो। तो इन आशीर्वादों को आप सहज में प्राप्त करते हैं, और जब इसे आप सहज में प्राप्त करते हैं तब आपको फिर श्रद्धा हो जाती, विश्वास है कि परम चैतन्य है, परमात्मा की शक्ति, और हम उसके दरबार में जाके बैठे। अब किसकी मजाल जो हमें सताए याद करें। वो दिन गए जब संत साधुओं को लोगों ने सताया, आप सता के नहीं देख नहीं सता कर, उसके फल भोगने पर। ऐसा ये परम चैतन्य जबरदस्त। किसी ने मुझसे सवाल किया कि माँ ये लातूर में भूकंप कैसे हो गया, पूना में 3 बार गणपति के उत्सव में मैंने कहा जाते थे। अब हम गणपति रखे हुए हैं, गणपति को नमस्कार किया, ये क्या वो क्या, कनेक्शन कुछ नहीं होते। अब बहुत से लोग गणपति को भी नहीं मानते, वो तो कहते ये क्या हाथी को आप मानते हैं, बड़े अकलमंद है ना। लेकिन ये जबरा जाज्वल्यवान गणपति, ऐसे तो बच्चा ही है पर बिगड़ता है तो उसका कुछ कारण है। और वहां मैंने देखा कि शराब पी के, अपने महाराष्ट्र में तो इतनी शराब है कि इतनी सारे हिंदुस्तान में कहीं सभी पीते हैं शराब, बड़ों से लेकर छोटे तक, पर गांव गांव में खटमल के जैसे मरते हैं शराब। और उस गणपति के सामने में शराब पी करके गंदे सिनेमा के गाने लगा करके और डिस्को जैसा गंदा नृत्य हो रहा हर जगह। तब 3 बार पुणे में मैंने इसी तरह की मीटिंग में कहा था बच्चे रहो, और मैंने साफ कहा था कि भूकंप होगा, जो कि पृथ्वी का ये तत्व है जीवन। और यही हुआ लातूर में। हमारा भी सेंटर में आवश्यक लातूर नहीं गई, सेंटर वाले बता रहे थे कि रात को लौट के आए बहुत सारे लोग दिख करके और खूब शराब पी करके और वहाँ गंदे गंदे डांस करने लगे सारे के सारे। अब उसमें बहुत से
जो सारे लोग भी दबड़ गए हमारे सेंटर के आसपास भूकंप आते थे, एक भी जो किसी घर में इतनी सी दरार भी नहीं थी। तो आज ऐसा समय कि आपको परमात्मा से डरना पड़े, गलत काम जो हो रहे हैं इन सब को ठीक करना है, और होंगे एक के बाद एक, लेकिन आप कम से कम बचे समय के लिए। जब ये आनंद की सृष्टि आपके अंदर आ जाती है तब फिर आप क्यों इन गलत चीजों में जाए, ये सब आप सोचते ना कि बड़ा प्लेजर है, बड़ा आनंद है, पर जब आनंद ही आपके अंदर बह रहा है तो ये कौन। जब आपके पास जब गंगाई बह रही है तो आप क्यों इन गटरों में पानी पीने जाएंगे। आज अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है इस पाश्चिमात के गंदी संस्कृति से, वहां तो मरे जा रहे हैं लोग, सारे नष्ट हो रहे हैं अंदर से, इन बच्चों को बचाइए। आजकल के सिनेमा, आजकल की ये सब चीजें, इसको सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा भारतीयों का धर्म है, धर्म कमाना पुण्य कमाना हमारा धर्म ठीक है। जहां धर्म होगा वहीं हर तरह की समृद्धि होगी। एक दिन ऐसा आगा कि ये देश बहुत समृद्ध होगा, इसलिए मुझे शंका नहीं, किंतु पहले इस समृद्धि को झेलने की शक्ति आपने होनी चाहिए। 100 रुपया किसी को दे दीजिए तो चले गए वो गुटके पर शराब से, ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि वो समृद्ध ही ना हो। अब एक सोच समझ होना, एक विचार होना, अगर हम इतने गौरवशाली हैं और हमारे अंदर इतनी शक्तियां निहित हैं जिससे हम आनंद के साम्राज्य में जा सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे प्राप्त करें। अब आप यहाँ हजारों लोग आए हैं, बड़ी खुशी की बात, लेकिन इससे से जमेंगे कितने ये कहना पड़े, ये कहना बहुत कठिन। वही ईसा मसीह के सिर में से मिसाल याद आती कि कुछ तो बीज पड़ गए पथरीली जमीन और कुछ पड़ गए गीली जमीन पर, लेकिन अंकुरित होने पर वही सड़ के खत्म, लेकिन कुछ ऐसे जो ऐसे जमीन पर पड़ गए कि उनसे महान वृक्ष खड़े हो। इस महाराष्ट्र से मुझे बहुत आशा है, और मैं चाहती हूँ कि आप में से एक एक इंसान एक महान वृक्ष होगा और हर तरह से इस महाराष्ट्र की सबसे सावला भूमि जो भी है उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना चाहे मैं कर सकता हूँ, हर तरह की मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपने भी प्रण होना। ये मराठे गए कहाँ जिनका बाणा था इस जमाने में, पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, शराब पी पी करके शिवाजी महाराज ने अपने लड़के को जेल में डाल दिया जो शराब पीता, और इसमें से कितने लोगों को क्या कहा जाए, सारे दुनिया का रंग बदल जाएगा ऐसा दिखाई देता है। रशिया में एक एक गांव में 21-22 हजार छोटे की बच्चे, उन तो कभी भगवान जाना भी नहीं क्या चीज है, और कमाल है क्या सहजे तभी अब खुश हो गया, मैंने क्या है यहां से धर्म उठ के वहां चला गया कि क्या पता नहीं। और हम जो इतना कुछ जानते हैं पूरी तरह समझा, क्योंकि हमारे आदर्श बदल गए, कहाँ शिवाजी महाराज और कहाँ आजकल के लोग,
पैसे खाओ, जिनको किसी की परवाह नहीं। सहयोग में प्राप्त जो जो लोग हैं बहुत भाग्य हैं, और ये समय आ गया है इसे आप लोग प्राप्त करें, इसका अनुभव लें, आनंद उठाएं, और ऐसा एक महान समाज संसार में खड़ा हो गया और आप लोग भी उसमें शामिल हो, सारे संसार में आपके रिश्तेदार बैठे। यहाँ पर रविंद्र बाबू ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी कि भारत के इस किनारे पे सब देश के लोग आएंगे, उसकी माँ जागरूक हो गई। और वाकई में इतने देशों से लोग आते हैं, कभी झगड़ा मैंने सुना नहीं, कभी मारपीट मैंने सुनी नहीं, कभी गाली गलौज मैंने सुनी नहीं। हाँ, कभी कभी आपस में थोड़ा मजाक जरूर कर लेते हैं, एक दूसरे की टांगे जरूर खींचते थे, बस ये सब घटित होना बड़ा आश्चर्यकारक। आशा है आप लोगों से सब लोग सामूहिक कार्य में आए, क्योंकि सहयोग एक सामूहिक कार्य, अगर हमारा एक नाखून कट जाए तो वो बढ़ नहीं सकता। अगर आप कहेंगे कि मैं घर में माँ सब करता हूँ, उसे नहीं है, सामूहिकता में आने का। जो लोग सामूहिकता में आते हैं वही लोग उत्तम सहयोगी हैं। आशा है मुझे आप लोग मेरी बातों का बुरा नहीं माने, मैं माँ हूँ और एक ही आंतरिक इच्छा मेरे अंदर है कि जो कुछ भी शक्तियाँ मेरे अंदर हैं आप सब के अंदर आ जाए और आप सब एक आदर्श भारतीय बन करें और सारे संसार का रक्षण करें, सारे संसार के अगुआ बन सकते हैं, सारी दुनिया आपके चरणों में आ सकती है। आप जानते नहीं कि जमीन पे आप बैठे हैं, जब फॉरेन से सहयोगी आते हैं यहाँ एयरपोर्ट पर इस जमीन को छूते हैं और उसी जमीन पर आज बैठे हैं आप, आपको आपके साथ साथ का अवश्य प्राप्त। ये डोले पर भी इसका साथ क्या करें, चार सौ डोले लोगों ने कहा महाराष्ट्र के भी मेहनत के लिए बसूंगा, प्लीज किसी को बसा बसूंगा, बसले चले होना कुछ बसले तरी पोते ले इन पूरे बसा इकड़े जा रहा है बसूंगा, अब तो बसाला पाई कोई हिमालय में जाने की जरूरत नहीं, सर के बल खड़े होने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस जमीन पर बैठ जाइए और जो लोग कुर्सी बैठे वो भी ठीक है, कुर्सी पे भी हो जाएगा। इतने ही बस आए टाइम मतलब इतने बस कुछ चाले इतने बस कुछ। हाँ, ये हिंदी भाषा बोले मराठी बोले नहीं, मराठीमध्ये पुष्कळ लेक्चर्स आहेत माझे, पण आधी प्राप्त करून घ्या, नाही तर माझे लेक्चर्ससुद्धा पाठ होतात लोकांना पण सहजोग जमत नाही, म्हणजे काय म्हणावं, कारण पाठांतराची सवय आहे। प्रश्न है लोगों के दिमाग में, किसी किसके तो होते ही हैं और उसका उत्तर भी देना जरूरी होता है, नहीं तो जब कुंडलिनी चढ़ेगी उसी वक्त आपको ख्याल आएगा कि माँ मैंने सवाल नहीं किया।
और आपसे मैं बताऊं, अब मैं 23-24 साल से मेहनत कर रही और सब तरह के प्रश्न का मैं उत्तर दे सकती हूँ, मैं बहुत होशियार। तो काय को दिमागी जमा कर मेंटल एक्रोबैट, उससे कुछ कुंडलिनी जागरूक नहीं है क्योंकि बुद्धि से परे है कुंडली। बसा अब मैंने पहले कहा कि आपको ये इच्छा होनी चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार हो, ये आपको इच्छा हो, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि आपको स्वतंत्रता और आपकी स्वतंत्रता को हम मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, इसलिए कोई जबरदस्ती आप पर नहीं कर, बिल्कुल हो ही नहीं। आपको हृदय से मांगना चाहिए कि हमारी आप मां कुंडली जागरूक करें, क्योंकि ये शुद्ध इच्छा, इसमें दो ही बातें हैं। एक तो हमारे यहां किसी तरह से भी आदमी अपने दोषों पे उतारा जाता है, कोई कहेंगे तू बड़ा पापी है तो एक गाय दे दे तो ठीक हो जाएगा पाप से, कोई कहेंगे कि तूने ये खराबी की बचपन से, और इसलिए हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम दोषी और अपने को माफ नहीं कर पाए। तो कृपया अपने को आप पहले माफ कर, माफ कर, आपने कोई गलती नहीं इस मोमेंट, वर्तमान में इस वक्त आपने कोई गलती नहीं करी, इससे पहले तो आप अपने को माफ कर। ही पहली अत कि स्वथालादिक क्षमा करा, कोणत्याही गुरु ग्रंथालाकडे गेला असाल तरी सगळं क्षमनीय, क्षमा करा, क्योंकि ये चारों तरफ पहली सृष्टि मैंने आपसे कही, परम चैतन्य की ये क्षमा का सागर, इसे इस वक्त अब आप कृपया अपने को तो क्षमा करो, कोई सी भी न्यूनता अपने अंदर मत करें। और दूसरी बात कि दूसरों को भी आप क्षमा, दूसरों को क्षमा करने में उनके बारे में सोचना नहीं, विचार नहीं करना, कुछ उनको बस क्षमा कर, एक साथ क्षमा करें, क्योंकि हमारा जो ये चक्र है उसको कि अंग्रेजी में ऑप्टिक चार्ज ना कहते हैं, उसके बीचों बीच ये आज्ञा का चक्र है, ये ऐसा संकीर्ण है, बड़ा संकीर्ण है, अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो और भी संकीर्ण हो जाए, और भी संकीर्ण हो जाए, क्षमा करके ये खुल जाए। और जब अपने को दोषी समझते हो तो ये चक्र पकड़ता है, और इससे स्पॉन्डिलाइटिस, अंजाइना और अनेक बीमारियां होती इस चक्र से। और एक बात और भी जो समझी जा सकती है कि हम किसी को क्षमा करें या न करें, हम कुछ भी नहीं करते, क्या करते, पर हम जब किसी को क्षमा नहीं करते तब हम
गलत हाथों में फिरते हैं और हम अपने को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। इसलिए सबको एक साथ आप क्षमा करें, सबको एक साथ क्षमा करने का मतलब यह है कि बस आप कह दो माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर, और कुछ पूर्ण हृदय से तीन बार हृदय से कह दो मैंने सबको एक साथ क्षमा कर और मैं दोषी नहीं। क्योंकि यही दो चक्र बहुत ज्यादा रास्ता रोकते हैं और थोड़े देश कर दो। तो जो लोग जमीन पर बैठे हैं वो भी चप्पल जूते उतार दो और जो ऊपर बैठे हैं वो भी चप्पल जूते उतार दो। और दोनों पाए जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं अलग अलग रखें, क्योंकि ये दो शक्तियाँ भाई छोटे से लेक्चर में मैं सब कुछ नहीं बता सकती, पर आप सब कुछ जान जाइए। दोनों पैर अलग अलग, एक अच्छा है कि हवा चलना बंद हो गई, नहीं तो लोग उसी पे चेक करने लग जाते। चश्मा भी उतार लो तो अच्छा ही फायदा करेगा। अब अपना लेफ्ट हैंड मेरी ओर से दावा हाथ मजक और सर झुका और इस राइट हैंड से यहां देखे सर में जो तालू है ना अपने बचपन में जो बहुत ही नरम हड्डी होती है तालू, उस पर अभांत्री ऊपर गर्दन झुका के देखिए कि अपने ही सर से कुछ ठंडी हवा आ रही है या गर्म भी आ रही होगी। अगर आपने माफ नहीं किया तो गर्म हवा भी आ सकती है, माफ करिए। थोड़े दूर से देखिए, किसी किसी को तो बहुत दूर तक आती, किसी किसी को नजदीक आती, और गर्म भी आए तो कोई हर्ज नहीं। सर झुकाई, सर झुका, सर झुका के देखिए आभांत्री बगा ताड़ू मान खाली गला बगा बरे अब राइट है मेरे ओर से और गर्दन झुका कर और लेफ्ट हैंड से थोड़ा हाथ घुमाना पड़ता है तालू स्थान से जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, कुंडलिनी की ठंडी हवा आती कभी कभी गर्म हो जाए गर्म भी आती। इसको आदिशंकर आचार्य ने सलीलम सलीलम का इस अब लेफ्ट हैंड फिर से सर झुकाओ फिर से सर झुका के राइट हैंड से झुका अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और इसे कितना प्रकाश आकाश की ओर देखें और एक सवाल तीनों में से कोई सा भी एक सवाल तीन बार करना। पहला प्रश्न तो यह है कि माँ ये क्या परम चैतन्य है,
दूसरा सवाल, क्या माँ ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? और तीसरा सवाल, क्या माँ ये रूह है? इसमें से कोई सा भी सवाल आप तीन बार पूछें। अब हाथ नीचे कर। इसका पहले दोनों हाथ में रहो, टोप्या काढ़ा आई करके चला, टोप्या पाइजे टोप्या काढ़ बसा आई समोर अपन के टोप्या घूम जाते। अब दोनों हाथ में रहो, मेरी ओर देखे और सोचे ना, सोचे ना। अब जिन लोगों के हाथ में उंगलियों में या सर पे ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो सब दोनों हाथ ऊपर कर, वाह सब लोग हो गए, करीबन सभी लोग हो गए। हमारा अनंत आशीर्वाद, आपको सुबुद्धि हो कि आप इसमें गहरे हो। अब इसके अनुभव आपको आए, अपने आत्म साक्षात्कार की पूरी इज्जत कर लीजिए, स्वतःचा आत्म साक्षात्कार पूर्ण काळजी घ्यायला पाहिजे आणि त्याची प्रतिष्ठा ठेवली पाहिजे। त्या प्रतिष्ठेतच सर्वांचा उद्धार आहे, सर्व जगाचा उद्धार। तेव्हा माझी कळकळीची सगळ्यांना विनंती आहे की आता स्वतःवर श्रद्धा ठेवा, प्रेम आणि अनंत आशीर्वाद येते, अनंत आशीर्वाद, सबको अनंत आशीर्वाद। एक आध दूसरे को नहीं हुआ हो तो कोई ना कोई वजह होती है, तो भी हमारे सेंटर पे आकर के वो अपना प्रश्न पूछते। अब ज्यादा बात न करते हुए शांतिपूर्वक घर जाए, इस पर कोई डिस्कशन आर्गुमेंट हो नहीं सकता, दशा और है ये। और सेंटर पे आने पर आपको ये लोग पूरी तरह से समझा देंगे। उस पर एक ही बात मुझे कहनी है कि हम लोग पैसा ऐसा लेते नहीं, तो हमारे सेंटर ऐसे ही सादे सरल होते हैं, लेकिन मस्जिद में जैसे सब लोग एक साथ, कोई राजा हो या गरीब हो कोई, इसी प्रकार आपको भी अपना अहंकार छोड़ के आना चाहिए और अपनी पूरी प्रगति करें। मैं तो हर साल आती हूँ मुंबई और फिर से मैं आऊँगी। कल हमारे एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया है जिसके बारे में संचालक बताएंगे, आप सबको उसमें निमंत्रण है। ये लोग हैं सूफी धर्म के, जो कि निजामुद्दीन का औलिया आप जानते होंगे इसी के, और इसके अलावा सभी संत साधुओं का गान करते हैं सहयोग में आ रहे हैं।
टर्की में बहुत सारे सूफी लोग भी और भी जगह बहुत से सूफी अब सहयोग में आते हैं, अल्जीरिया में, ट्यूनीशिया में, इजिप्ट में। और इन सूफियों ने जिस हृदय के साथ गाने गाए हैं, आपकी तबीयत खुश हो जाए। तो आप सबको मेरा निमंत्रण है, मुझे नहीं मालूम कहाँ तक है, परेम में रेलवे का एक वर्कशॉप है जिसका बड़ा भारी मैदान है। जैसे कि आप परेल का जो फ्लाईओवर है, जब आप दादर सिटी से निकलते हैं और परेल का जब फ्लाईओवर आता है, लेफ्ट हैंड से जो रास्ता केएम हॉस्पिटल की तरफ जाता है, वहीं से आप सीधे चले आइए लालबाग की ओर, तो रास्ते के राइट हैंड साइड पर यह ग्राउंड है। फिर एक बार बताते हैं, परेल का एक रेलवे वर्कशॉप जिसे कहते हैं, उसका ग्राउंड है। जब आप दादर सिटी से निकल कर परेल की ओर बढ़ते हैं और जब परेल का फ्लाईओवर जब आप पास करते हैं और जब लालबाग की तरफ आप बढ़ते हैं, तब कुछ ही अंतर पर, फ्लाईओवर ख़त्म हो जाने के बाद कुछ ही अंतर पर राइट हैंड साइड पर यह रेलवे का वर्कशॉप है। काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम है। आप सब लोगों को यहाँ पर आने का निमंत्रण है। प्रोग्राम जो है यह 7 बजे आरंभ होगा। कृपा करके आप सब लोग यहाँ पर तशरीफ लाएं। हाँ, पूरे ऐसा एक अंकिल एक सर एक सर साले गुरु का फॉलो अप कुछ ऐसा। आने वाले शुक्रवार के दिन यानी कि परसों दिनांक 25 फरवरी के दिन शाम को 6:30 बजे साने गुरुजी विद्यालय शिवाजी पार्क, माने यही हमारा जो केटरिंग कॉलेज है, इसी के पीछे वाली जो गली है या एंटोनियो डिसिल्वा टेक्निकल हाई स्कूल है कैडल रोड, उसी के पीछे जो गली है वहाँ पर एक फॉलो प्रोग्राम हमने आयोजित किया है। तो वहाँ पर कृपा करके आप 6:30 बजे तशरीफ लाएं। आप सबको बड़े हृदय से हार्दिक निमंत्रण है। फिर एक बार बताते हैं, साने गुरुजी विद्यालय शुक्रवार दिनांक 25 फरवरी शाम को 6:30 बजे एंटोनियो डिसिल्वा टेक्निकल हाई स्कूल के पीछे कैडल रोड। और